नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। आज दिनांक 19 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया गुरुकुल रसोई द्वारा आईआईटी सोसाइटी माधोपुरम पर शुरुआत किया गया। 250 लोगों को भोजन प्राप्त कराया गया जो नित्य बांटा जाएगा। विशेष तौर पर दिनेश तिवारी, मयंक तिवारी, संदीप, मोहित वर्मा, गुड्डू, सोनू, सुनील, शैलेंद्र, अमित, मंजू, जानकी जी आदि लोगों के सहयोग से प्रारंभ हुआ। रसोई का शुभारंभ आईआईटी चौकी प्रभारी सुरजीत सिंह यादव सर, गुड्डू विश्वकर्मा, एलपी सिंह के द्वारा भोजन एवं मास्क बांटकर किया गया। ये देखो मेरे सामने एक भाई खड़े हुए हैं, ये भोजन का वितरण कर रहे हैं तहरी का, इनसे जरा बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम मयंक तिवारी है। मयंक तिवारी जी, आप ये बताइए, आप ये तहरी वितरण कर रहे हैं, क्या डेली तहरी बनती है? नहीं भैया, डेली तहरी नहीं बनती। अभी तो फिलहाल ये हम लोगों ने दो दिन से ही चालू किया है। कल चालू किया था, आज चालू किया था। आज हम लोगों का प्लान कुछ और था जी, लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि चलो आज मतलब कि ज्यादा मात्रा होगी तो हम लोग चलो तहरी बना लिया जाए। अच्छा, आज आपने तहरी बनाई है, कल पूरी सब्जी का वितरण हुआ था यहाँ पे और आज जो है तहरी का वितरण हुआ। आप ये बताइए, यहाँ पे कोई प्रशासन के लोग कोई आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ भी आ रहे हैं, कुछ यहाँ वितरण कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ उनकी समस्याएं समझ रहे हैं? नहीं भैया, कल तो कोई नहीं आया था, लेकिन आज हमारे आईआईटी चौकी के सुरजीत सिंह यादव जी आए थे, थाना अध्यक्ष यादव जी, चौकी इंचार्ज। हाँ, वो आए थे आईआईटी के। हाँ, तो उन्होंने आके यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी दिया और प्लस यहाँ पे गरीबों को मास्क भी बांटे हैं। और उनका कहना कि जो सहयोग हम कर सकते हैं हम आप लोगों के प्रति करेंगे, आप लोग अपना कार्य निरंतर रूप से जारी रखते हैं। चौकी इंचार्ज सुरजीत सिंह यादव बताया आपने, मयंक भैया जी, तो कितने उन्होंने मास्क बांटे हैं? उन्होंने लगभग कुछ नहीं तो 60-65 मास्क बांटे हैं। 60-65 मास्क बांटे हैं उन्होंने, सारे जरूरतमंदों को मास्क अपने हाथ से दिए हुए हैं कि आप लोगों को दे गए मास्क? नहीं नहीं, उन्होंने खुद अपने हाथों से ही सबको दिए हैं। उन्होंने खुद अपने हाथों से बांटे हैं, मतलब सारे बच्चों को या बड़े लोग? नहीं, बड़े लोग भी, बच्चों को भी उन्होंने सबको दिए हैं। अच्छा, मैं आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। इंडिया न्यूज़ संवाददाता सचिन अग्नोत्री की खास रिपोर्ट।